में राजकीय नलकूप सब खराब हैं, लगभग ज्यादातर खराब हैं। कोई भी नलकूप पे 100 मीटर नाली नहीं बनी है और मेंटेनेंस के नाम पर लाखों का लाखों, यानी हमको जो जानकारी है 33,000 रुपये महीना, 33,000 रुपये एक नलकूप का मेंटेनेंस खर्चा सरकार देती है, लेकिन 200 मीटर नाली पूरे जनपद में कहीं नहीं बनी है। आवास के नाम पर 20,000 रुपये ग्राम पंचायत अधिकारी वसूली कर रहे हैं, जब कोई जांच में आता है हम लोग ज्ञापन देते हैं खंड विकास अधिकारी को या SDM महोदय को या DM साहब को, तो जो जांच में आते हैं वो प्रधान के घर जाते हैं और प्रधान को जिस लोगों ने वोट नहीं दिया है उनका आवास का नाम कट दिया जाता है। 6 अगस्त को हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से वार्ता के समय ये आवाज उठाया था, ये बात रखा था कि आप आवास का, पेंशन का, समस्त प्रकार पेंशन का आप तहसीलवार या जनपदवार कैंप लगवा दीजिए, खुला कैंप लगवा दीजिए, सारे अधिकारी कर्मचारी आपके बैठे और वहाँ CCTV कैमरा लगवा दीजिए, जिससे जो बात हो वो मालूम हो, कोई पैसा ना मांग पाए। परिवार रजिस्टर जो 500-500 रुपए में बेचा जा रहा है रियासत धरा ग्राम पंचायत में, इसमें विकास खंड में, तुलसीपुर विकास खंड में 1200-1200 रुपए इसका लिया गया परिवार रजिस्टर का नकल का, वो कम से कम हमारे किसान बच तो पाए। इसीलिए तो हम मजबूर होकर के 6 अगस्त को चक्का जाम की घोषणा किए थे। किसान आयोग बनना चाहिए, 60 वर्ष पूरा कर चुके किसानों को 5,000 मासिक पेंशन मिलना चाहिए, समस्त किसानों का समस्त प्रकार का कर्जा माफ होना चाहिए, समस्त कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले बिजली माफ होने चाहिए।